अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। दिस इज़ मेरान। तो उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है बाकी वीडियोज़ की तरह। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि आप जो है ब्लॉगर में ऑनलाइन स्क्रीन रिकॉर्डर वेबसाइट कैसे बना सकते हैं। जैसा कि ज़्यादातर जो यूज़र जो हैं वो सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करते हैं, फिर उनसे जो है स्क्रीन रिकॉर्डिंग करते हैं। तो कुछ यूज़र जो हैं वो अपना टाइम बचाने के लिए जो है ऑनलाइन स्क्रीन रिकॉर्डर का यूज़ करते हैं। तो वो ऑनलाइन स्क्रीन रिकॉर्डर जो है वो आपकी जो है वेबसाइट पर इंस्टॉल होता है। तो सिंपली यूज़र जो है आपकी साइट में आता है, वहाँ से जो है स्क्रीन की रिकॉर्डिंग करता है, तो उसको जो है अपने PC में सेव कर लेता है। तो अब जो है मैं आपको एक साइट का डेमो दिखाता हूँ। स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन पर प्रेस कर लें। सिंपली साइट जो है वो कुछ ऐसी शो होगी यूज़र को, तो वो आपकी साइट में आएगा। तो यहाँ से जो है रिकॉर्डिंग कोड है वो यहाँ से वेब को सिलेक्ट करेगा और यहाँ से फ्रेम रेट को सिलेक्ट कर लेगा। यहाँ से जो है वीडियो बिट रेट भी सिलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ से जो है ऑडियो बिट रेट भी सिलेक्ट कर सकता है। तो ये सब सेटिंग करने के बाद वो सिंपली यहाँ स्टार्ट रिकॉर्डिंग पर क्लिक करेगा। तो जो रिकॉर्डिंग है रिकॉर्ड होना स्टार्ट हो जाएगी। तो अब यहाँ से मैं स्टार्ट रिकॉर्डिंग नहीं करूँगा क्योंकि ये ऑफलाइन मैंने इसको जो है डेमो को ओपन किया हुआ है। अगर मैंने यहाँ से इसको ओपन कर लिया तो ये जो है ब्राउज़र क्रैश हो जाएगा। तो अब जो है मैं आपको एक बार इंस्टॉल करके दिखा देता हूँ तो ये कैसे काम करेगा। तो अब मैं जो है अपने ब्लॉगर में जाता हूँ। तो उसके बाद जो है मैं कोड को जो है कॉपी कर लेता हूँ। तो यहाँ से ये सब कोड मैंने कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद अब मैं ब्लॉग में आ गया। तो यहाँ से मैं थीम पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद अब जो है मैं यहाँ से इसको रिवर्ट टू क्लासिक थीम पर क्लिक करता हूँ और फिर यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद जो है ये वाला कोड मैं रिमूव कर देता हूँ और जो कोड कॉपी किया था वो यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ से सेव थीम कर देता हूँ। तो यहाँ से मैं व्यू ब्लॉक करता हूँ। तो आप देख सकते हैं साइट जो हमारी रेडी हो चुकी है। तो अब मैं जो है आपको एक रिकॉर्डिंग करके दिखा देता हूँ कि रिकॉर्डिंग कैसे होगी। यहाँ से मैंने सब सेटिंग को जो है मैं डिफ़ॉल्ट ही रखता हूँ। तो अब यहाँ से मैं जो है स्टार्ट रिकॉर्डिंग पर क्लिक करता हूँ। तो उसके बाद जो है यूज़र सिंपली यहाँ से स्क्रीन सेलेक्ट करेगा। करने के बाद यहाँ शेयर ऑडियो पर जो है चेक कर देगा और उसके बाद जो है शेयर पर क्लिक कर देगा। तो जो रिकॉर्डिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है एक मेन्यू बार भी शो हो गया है कि जो है आप यहाँ से इसको स्टॉप भी कर सकते हैं और यहाँ से स्टॉप भी कर सकते हैं। तो अब मैं आपको थोड़ा सा रिकॉर्ड करके दिखा देता हूँ। यहाँ से आप देख रहे हैं ये अभी भी मेन्यू बार जो है शो हो रहा है। ये आपके जो है PC की भी रिकॉर्डिंग करेगा और ब्राउज़र की सब रिकॉर्डिंग करेगा। तो उसके बाद जो है आप लोगों ने सिंपली अगर इसको स्टॉप करना है तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो रिकॉर्डिंग है जो स्टॉप हो जाएगी। तो उसके बाद आप नीचे देख सकते हैं यहाँ प्रीव्यू भी आपको नज़र आ जाएगा जो मैंने रिकॉर्डिंग की थी। प्रीव्यू भी चल रहा है यहाँ पर वीडियो की शक्ल में। तो उसके बाद अगर आप सिंपली इस रिकॉर्डिंग को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर सेव रिकॉर्डिंग पर क्लिक करेंगे तो जो रिकॉर्डिंग है वो यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर डाउनलोड हो गई है। इसको मैं ओपन करता हूँ आप अपने प्लेयर में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है ये होम प्लेयर में जो है रिकॉर्डिंग प्ले हो गई है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।